ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी बात, आज से अपने जीवन में कुछ नेक कर्म, कुछ पुण्य कर्म जरूर कीजिए। पाप ना हो मेरे से, ना मन से मैं बुरा सोच के पाप करूं, ना मुख से बुरा बोल के पाप करूं, ना कर्मों से पाप करूं, ना धन से पाप करूं, केवल मेरे द्वारा अब पुण्य ही हो। क्योंकि अब मोदी साहब नहीं, अब ऊपर वाला हिसाब किताब लेने वाला है। इसीलिए कर्मों को टोटली सफेद रखना है मुझे, एक भी कर्म मेरा काला ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा बल वो है पुण्यों की पूंजी, दुआओं की दौलत। हर दिन इकट्ठी कीजिए इसको, हर दिन कमाइए, हर दिन सेविंग कीजिए इसकी। कोई दिन ऐसा ना जाए जो इसकी सेविंग ना हो। भरपूर कर ले हम अपने आप को इस धरती पर से जाने से पहले, भर कर जाएं और इतना भर ले, इतना भर ले कि अगर जरूरत भी पड़े तो मुझे दोनों हाथों से दान भी करना पड़े तो मैं अपनी दुआएं और पुण्य दोनों हाथों से दान भी कर सकूं, इतनी बड़ी दाता बन जाऊं इस दौलत में। तो आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि कुछ भी पाप मेरे से ना हो, केवल पुण्य हो। हम सुनते रहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर के लिए बड़ी योजनाएं चल रही है। वो तो बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए उनके जन्म स्थान पर। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यदि हम सब पहले राम बन जाए तो हर घर ही मंदिर बन जाए। पूछो दशहरा था, रावण मुस्कुरा करके प्रश्न पूछ रहा था कि तुम मुझे सदियों से जलाते आ रहे हो, ढोल धमाके के साथ जलाते हो, जलाइए शौक से जलाइए, परंतु आज मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना, उसके बाद जलाना। उसने एक बहुत ही तीखा प्रश्न पूछा कि मुझे जलाने वालों, ये तो बता दो कि तुम्हारे में से राम कौन है। रावण को जलाने का हक किसको है? तो एक एक राम बनो और फिर देखिए पूरा यूपी यदि राम के मंदिर से सुशोभित ना हो जाए, घर घर राम का मंदिर ना बन जाए, कोई नहीं रोक सकता, किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब मन सफेद होगा, जब कर्म सफेद होंगे, वो तब होगा। हम राम बनने का प्रयास करें, मंदिर तो खुद पे खुद बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे जो गिनती भी राम राज बना देंगे। हम राम मंदिर की तो बात छोड़ो, राम राज ले आएंगे सृष्टि पर, केवल राम बनो। तो पुण्य कर्म कीजिए, ये पुण्य कर्म तब काम आते जब संसार का कोई भी पद, कोई भी सत्ता, कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति, कोई भी सगा संबंधी काम नहीं आता, तब ये पुण्य, ये दुआएं काम में आती हैं। बड़ी बड़ी आपदें, मुसीबतें, लाइलाज बीमारियां जब आ जाती है, जब संपत्ति धरी की धरी रह जाती है, जब पद पोजीशन धरे के धरे रह जाते हैं, तब ये पुण्य काम आते हैं हमारे। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे साथी बनते हैं।